तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब रुपया क्या बेसिक वजह दिखाई दे रही है और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, कब तक ये गिरावट जारी रहेगी? देखिए, जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनको लग रहा है कि 82 डॉलर तक भी डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। आज भी काफ़ी गिरावट दिख रही है, जिस तरह से फेड के बयान सख्त बयान आए हैं और उन्होंने कहा है कि 2023 तक ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो चलता रहेगा, 2024 से ही ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है उसका रोल बैक होगा। तो यही वजह है कि डॉलर इंडेक्स 20 साल की नई ऊँचाई पर पहुँच चुका है और सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपया ही नहीं, दुनिया की जितनी भी बड़ी करेंसी है, चाहे वो यूरो हो या फिर जापानी येन, तो 20% से ज़्यादा टूट चुका है पिछले एक साल में। बात करें तो यूरो 13-15% के आसपास की गिरावट पिछले एक साल में यूरो में आ चुकी है। इंडियन रुपी हालांकि उसके मुकाबले कम टूटा है, 7.5% की गिरावट है। सबसे बड़ी वजह रुपये को लेकर चिंता ये है कि जब भी ब्याज दरें बढ़ाई जाती है आरबीआई की तरफ से, वो यूएस फेड के मुकाबले में कम रहती है। इस साल की अगर बात करें तो 1.4% रेपो रेट में आरबीआई ने बढ़ोतरी की है, जबकि फेड की बात करें तो 3% तक दरें बढ़ा चुका है। तो जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है ना, उस वजह से डॉलर इंडेक्स और डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, इंटरनल इकॉनमी की दिक्कत नहीं है। और हम इम्पोर्ट पर निर्भर इकॉनमी है, इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता ये है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, इम्पोर्ट महंगा होगा तो महंगाई पर असर होगा। और 85% तक हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, खाने के तेल पर 60% तक निर्भरता है हमारी इंपोर्ट पर। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो इंपोर्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका असर हमारी इकोनॉमी जो इंपोर्ट पर निर्भर इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा होगा और यही रुपए में गिरावट का सबसे ज़्यादा असर है। करेक्ट, तो ये वजह दिखाई दे रही है रुपए में गिरावट की और कमजोरी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।